सो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सैनिक स्कूल का जो है कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूँ। तो मैंने अभी ओपन किया है सैनिक स्कूल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटेन एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन में अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद जो है आपका लिस्ट बनता है कट ऑफ का। फिर उसमें जो है कुछ बच्चे जो है सेलेक्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो फाइनल लिस्ट आता है वो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट। और इस प्रकार से वो उन्हीं बच्चों का सिर्फ एडमिशन हो पाता है सैनिक स्कूल में। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम 25% मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट में होना चाहिए कैंडिडेट का, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए है, OBC जनरल सारे के लिए है, ठीक है। 40% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 2023 में दिखा रहा है कि 40% मार्क्स जो है होने चाहिए सारे सब्जेक्ट को मिला के। सेम चीज़ जो है यहाँ पे, लेकिन ये आप देख सकते हैं, इट्स शैल बी नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू ऑब्टेन 25% मार्क्स, ठीक है। ये है एक अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी। न्यू सैनिक स्कूल हुए हैं, ठीक है, 18 न्यू सैनिक स्कूल जो है उसमें एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि 25% जो है मिनिमम मार्क्स आने चाहिए एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, और जो है ओवरऑल सब्जेक्ट में जो है 40% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। सो गाइस, तो अब मैं आप लोगों को जो सैनिक स्कूल का कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एवरेज कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बता देता हूँ कि क्लास 6 और क्लास 9 सारे कैटेगरी, जैसे जनरल SC ST सारे कैटेगरी के लिए जो है कट ऑफ कितना जाना पिछला साल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है चार्ट, और इसमें सबसे ऊपर है जनरल। जनरल का जो कट ऑफ गया था क्लास 6 के लिए वो था 245 मार्क्स, और क्लास 9 के लिए जो था वो था 302 मार्क्स, ठीक है। एवरेज सारे सैनिक स्कूल, ये 33 सैनिक स्कूल का मिला के है कि अगर लगभग आप इतना मार्क्स लाते हैं तो आप जो है अच्छे पोजीशन जो है, लेकिन बहुत से सैनिक स्कूल जो है उसका 302 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये एवरेज बताया जा रहा है कि एवरेज कट ऑफ जो है ये इतना अगर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे OBC का देख सकते हो, OBC का 215 मार्क्स है क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 के लिए जो है यहाँ पे 300 मार्क्स दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिफेंस के लिए OBC NCL यहाँ पे है, एक 219 मार्क्स है इसके लिए, और 296 मार्क्स है क्लास 9 के लिए। डिफेंस कैटेगरी का बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी का है 203 मार्क्स क्लास 6 के लिए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था 203 मार्क्स क्लास 6 में, और 292 मार्क्स था क्लास 9 में। SC कैटेगरी का बात कर लेते हैं, SC के लिए जो है 197 मार्क्स जो है वो है कट ऑफ, 197 मार्क्स क्लास 6 में आपको पिछले साल स्कूल करना पड़ा था, ठीक है। 197 पिछला साल जो है हमारा कट ऑफ गया था क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 के लिए जो है 297 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था पिछले साल। और पिछले साल ST कैटेगरी के लिए जो है वो 207 मार्क्स गया था क्लास 6 के लिए कट ऑफ, और पिछले साल 299 मार्क्स गया था क्लास 9 के लिए कट ऑफ। तो ये था टोटल प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एवरेज कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरी वाइज ये पिछले साल का कट ऑफ है क्लास 6 और क्लास 9 का। अब मैं आपको इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। वो रिलीज़ हो जाएगा फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को। सबसे पहले आंसर की रिलीज़ होगा, आंसर की को फिर चैलेंज करने के लिए जो है पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद जो है फाइनल, उसके बाद जो है अंतिम में क्वालिफाइंग कैंडिडेट का लिस्ट जारी होगा, उसके बाद जो है आपका कट ऑफ रिलीज़ होता है। तो कट ऑफ रिलीज़ होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो आइए आपको अब बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2023 का वो क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या होने वाला है। तो सारे कैटेगरी के लिए जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, एवरेज कट ऑफ, ठीक है। जनरल के लिए जो है 240 to 250 मार्क्स जो है अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। तो गाइस, जनरल के लिए अगर आप 240 to 250 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो आपको ऑफिशियल में ही मिलेगा, ऑफिशियल कट ऑफ जब रिलीज़ होगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और क्लास 9 के लिए जो है वो 300 to 305 मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं, तब जो है आपका
आप जो है सिक्योर पोजीशन पे हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है शायद। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप बात कर लेते हैं, ठीक है, ओबीसी का 220 to 225 मार्क्स जो है अगर आप स्कोर करते हैं क्लास सिक्स में, तो आपका एक्सपेक्टेशन यह है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और क्लास नाइन्थ में जो है 295 to 300 मार्क्स जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ये एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं डिफेंस कैटेगरी के लिए, डिफेंस में आपको 200 से 205 मार्क्स जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा क्लास सिक्स में अगर आप हैं तो, ये एक्सपेक्टेड है। और 280 to 285 मार्क्स जो है इस साल शायद कट ऑफ जा सकता है क्लास नाइन के लिए, एवरेज कट ऑफ, ठीक है। अब आते हैं एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी का है 195 to 200 मार्क्स और क्लास सिक्स के लिए, और क्लास नाइन्थ के लिए है 275 to 280 मार्क्स, ठीक है। यह आप अपना स्कोर देख सकते हैं जिस भी स्कूल के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इतना स्कोर आप कर पा रहे हैं कि नहीं। इतना अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है मुश्किल है काफ़ी, क्योंकि ये तो एवरेज कट ऑफ है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए 200 to 205 मार्क्स जो है आपका आ सकता है कट ऑफ जो है जा सकता है, इतना एक्सपेक्टेड। और आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ के लिए यहाँ पर दिखा रहा है 285 to 290 मार्क्स, ठीक है। 285 to 290 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन शायद हो सकता है। तो ये था टोटल जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का, कि इस साल सैनिक स्कूल में इतना जो है एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ जो है जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिस पे ऑल 33 टोटल जो है इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है, तो उस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, 33.5 सैनिक स्कूल का कट ऑफ मैंने उस वीडियो में बनाया है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वो वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि जब भी जो है ऑफिशियल आंसर किया कट ऑफ रिलीज़ हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।